आ जा भाई, हल्का फुल्का लैपटॉप Acer Aspire 3 Ryzen 5 7000 सीरीज के साथ AMD फुल फॉर्म में हो रहा है भाई इस बार। खोले फिर डब्बा, एक मिलती है पावर कोड, एक मिलता है इसके साथ 45 वॉट्स का अडैप्टर और ये पतली सी पिन वाला अडैप्टर है इसके साथ। देन आता है भाई अपना लैपटॉप सफेद कपड़े में प्रोटेक्शन के साथ, और एक इसके साथ लिफाफे भी मिलता है जिसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, कोई नहीं पड़ेगा भाई। चलो भाई डब्बा कंप्लीट, टैन टैन है। ओहो, सफेद पर्दे में सफेद सफेद लैपटॉप आया, लग तो बढ़िया रहा यार, मस्त। आहा, तो कुछ ऐसा भाई अपने लैपटॉप ऊपर से बिल्कुल एकदम प्लेन प्लेन डिजाइन में आता है, सिल्वर कलर है ये। यहाँ पर मिलती है हमको Aspire की ब्रांडिंग, यहाँ पर Acer की ब्रांडिंग, यहाँ पर इसके एग्जॉस्ट वेंट्स हैं, पीछे से भी एकदम प्लेन है, ब्लैक कलर का है, वेंट्स के लिए काफी सारे छेद दिए हुए हैं, बिल्कुल एकदम अंदर का सामान दिख रहा भाई। रबर ग्रिप्स वगैरह सारी चीजें मिलती है, और यहाँ पर हमें मिलते हैं दो इसके स्पीकर्स, एंड ओवरऑल ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है हमारे पास। फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड पे हल्का फुल्का फ्लेक्स हमें मिलता है इसके अंदर, एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी है इसमें डेफिनेटली, थोड़ा बहुत प्लास्टिक बिल्ड के हिसाब से जितना होता है उतना है। बाकी यहाँ पर हमें दो छोटे छोटे रबर ग्रिप्स मिलती है ताकि जब हम इसे ओपन करें तो नीचे टच ना हो। इसका हिंज भी काफी ज्यादा स्टेबल लगा मेरे को, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, पर एक हाथ से ओपन नहीं होता, दो हाथ लगाने पड़ते हैं भाई। वोबलिंग इशू भी मेरे को इसके अंदर नहीं लगा, लाइक अगर तुम काम वाम करते हो तो डेफिनेटली डिस्प्ले स्टेबल रहती है, हिलती नहीं है। और अगर वेट की बात करें तो वेट है इसका कुछ 1.7 केजी के आसपास, तो बिल्कुल एकदम थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जैसा तुम उम्मीद करोगे इस लैपटॉप से बिल्कुल वैसा ही है, हल्का फुल्का सा, आराम से कैरी वेरी कर सकते हो कहीं पर भी। स्पेक्स की बात करें तो प्रोसेसर है इसके अंदर भाई Ryzen 5 7520U 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ, बाकी इसकी जितनी औकात है वो हम परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में देखेंगे। ग्राफिक कार्ड इसमें इंटीग्रेटेड वाले Radeon ग्राफिक, और 8GB की LPDDR5 RAM है इसके अंदर 5500 MHz की। अब तुम कहोगे भाई 5500 MHz कैसे हो सकती है, हमने तो 52 से ऊपर सुना ही नहीं। LPDDR है तो 16 RAM है, इस वजह से इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, क्योंकि हम इसे अपग्रेड नहीं कर सकते, तो सोच समझ के लेना भाई। स्टोरेज के लिए इसके अंदर हमारे पास 512GB की Gen 4 SSD, बाकी रीड एंड राइट स्पीड देख के लग नहीं रहा कि Gen 4 SSD है, पर वेबसाइट पर तो Gen 4 ही मेंशनड है। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 5 और ब्लूटूथ 5.0, 2023 के हिसाब से एटलीस्ट वाईफाई 6 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी एमएस ऑफिस भी मिलता है हमें इसके अंदर। पोर्ट्स की बात करें तो भाई लेफ्ट साइड पर है इसके अंदर एक चार्जिंग पोर्ट, एक यूएसबी टाइप सी, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कौन सी जनरेशन का है, बट जितना मैंने टेस्ट किया यू समझ लो कि 3.0 से ऊपर तो है, तो 3.1 या 3.2 है मेरे हिसाब से। इसका जो टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड फाइल ट्रांसफर भी सपोर्ट करता है, और इससे डिस्प्ले भी शेयर कर सकता है। एक HDMI 2.1 का पोर्ट और एक यूएसबी टाइप है 3.2। राइट साइड पर हमारे पास एक कैंजिंटन लॉक, एक यूएसबी टाइप है 3.2 वाला पोर्ट, और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो और कुछ इंडिकेटर। तो HDMI वाले पोर्ट पे अभी हमने कनेक्ट किया, एंड डिस्प्ले शेयर हो जाती है, एंड अप टू 4K 60 तक हम डिस्प्ले आराम से शेयर कर सकते हैं अपने Radeon वाले ग्राफिक्स से। सिमिलरली अपना टाइप सी वाला पोर्ट भी डिस्प्ले शेयर सपोर्ट करता है, और इससे भी 4K 60 तक डिस्प्ले शेयर हो जाएगी सेम अपना Radeon वाले ग्राफिक्स है। ओहो, टीवी की थीम चेंज हो गई, रिमोट कहाँ है, रिमोट कहाँ है, रिमोट कहाँ है, रिमोट कहाँ है। तो अंदर के डिजाइन तुम देख सकते हो कैसा, बिल्कुल ब्लैक और सिल्वर वाली थीम है इसकी। लेफ्ट साइड पर कुछ ब्रांडिंग्स है, राइट साइड पर भी फीचर्स वगैरह छाप रखे हैं, और सेंटर में मिलता हमें एक बड़ा सा टच पैड, एंड काफी अच्छा साइज का है, बढ़िया एकदम, तुम अपनी चारों उंगलियों से जेस्टर वेस्टर सारी चीजें इससे कर सकते हो, एंड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है क्योंकि फुली टच है। कीबोर्ड यहाँ पर हमें मिलता है नॉन बैकलिट, मतलब बिना बैकलिट के रात में काम करने में दिक्कत आएगी तुम्हें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एंड ओवरऑल वैसे कीबोर्ड की क्वालिटी अच्छी है, टाइपिंग वाइपिंग वाले कोई भी काम अगर तुम करते हो तो वो आराम से हो जाएंगे इसके अंदर, डेफिनेटली कीबोर्ड का टेक्टाइल फीडबैक है। बाकी फंक्शन कीज पर भी यहाँ काफी सारे शॉर्टकट वगैरह मिलते हैं हमें, तो वैसा ही है, मतलब टिपिकल जैसे Aspire वाले लैपटॉप्स Acer की तरफ से हमें मिलते हैं। इस रेंज में अगर बैकलिट दे देते ना तो बिल्कुल स्टैंड आउट सा हो जाता है Acer। देन आती है भाई अपनी डिस्प्ले, 15.6 इंचेस की एक FHD 1080p रिजोल्यूशन वाली 250 nits की ब्राइटनेस के साथ एक TFT डिस्प्ले। TFT का तो मैं पता ही है भाई कैसे व्यूइंग एंगल होता है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है मेरे को, मतलब IPS बहुत अच्छी होती है इनसे, बजट लैपटॉप है तो उस हिसाब से यही मिलेगा। पर ऐसा डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, तुम आराम से नॉर्मल काम जितने भी हैं वो सब कर सकते हो, और अगर कंटेंट कंजम्पशन वगैरह करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, देन ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ सामने से ही देखना पड़ेगा, साइडों से देखने में व्यूइंग एंगल बिगड़ जाते हैं इसके। बाकी वेबकैम की बात करें तो 720p वाला वेबकैम है इसके अंदर, तो ये भाई वेबकैम है क्वालिटी, नेचुरल लाइटिंग में मैं शूट कर रहा हूं, जैसी भी लगे मतलब देख सकते हो तुम, और माइक भी इसी का यूज हो रहा है, आवाज सुन लो कैसी है, और पंखा और एसी चल रहा है तो देख लो नॉइस कैंसिलेशन कैसी कर रहा है, ये समझ गए होगे, तो यही है जो है। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो मार दो लाइक सब्सक्राइब। स्पीकर की बात करें तो भाई 2 वाट्स के 2 स्पीकर हैं, और आवाज मैंने सुनी इसकी बहुत ही ज्यादा बेसिक है, एक बार तुम खुद भी सुन लो। एवरेज से भी बहुत ही कम मान के चलो, मतलब हल्की फुल्की आवाज आती है, एकदम शांत कमरे में हल्की फुल्का तुम्हें कुछ देखना है तो काम चलाने के लिए ठीक है, बट वैसे स्पीकर बहुत ही बेसिक है इसके। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, तो मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे, Cinebench R23 का स्कोर तुम देख सकते हो, क्रॉस मार्क के अंदर कुछ ऐसे स्कोर आए थे, Geekbench 6 के अंदर हमारे पास ये स्कोर आया था, और PC मार्क 10 में ये स्कोर थे, तो इन सारे स्कोर से तुम पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में इस CPU की परफॉर्मेंस कितनी है, तो तुम दूसरे CPUs के साथ कंपेयर कर सकते हो, परफॉर्मेंस
पता चल जाएगी। बाकी नहीं आ रहा समझ में तो मैं प्रैक्टिकली यूज बता देता हूँ कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर एक ऑफिस रिलेटेड काम करना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमएस ऑफिस वगैरह चलाना हो या फिर प्रेजेंटेशन बनानी हो, हल्की फुल्की ब्राउजिंग वगैरह, जितने भी वो वाले काम करना चाहो वो सब हो जाएंगे इसमें। और अगर कोडिंग या प्रोग्रामिंग भी करते हो तो भी बड़े आराम से वो चीजें हो जाएंगी। पर अगर तुम हाई एंड प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना चाहो, जैसे कि अगर एडिटिंग करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, वो सब इसमें मैं कहूंगा कि नहीं हो पाएगी। फोटो एडिटिंग हो जाएगी फोटोशॉप के अंदर, मैंने टेस्ट किया था, बट वीडियो एडिटिंग में इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। 1080p तक नॉर्मल लेवल की हल्की फुल्की एडिटिंग हो जाएगी प्रीमियर प्रो में, पर उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। उससे ज्यादा चीजें करनी है तो फिर एक गेमिंग लैपटॉप की तरफ जाओ। मैंने बहुत सारे रिव्यू कर रखा है, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। और यहीं आते हमारे कुछ गेमर वाले भाई लोग कि भाई गेमिंग वेमिंग होगी, गेमिंग रैम तो नहीं हो पाएगी। मतलब GTA 5 बेसिक से भी बेसिक लेवल पे भी खेलना चाहो तो भी हल्का फुल्का लैग करते हुए चलेगा, तो गेमिंग के लिए भी ये नहीं है। हल्के फुल्के एस्फाल्ट 9 जैसे गेम्स खेल सकते हो, बट ज्यादा हैवी ट्रिपल ए टाइटल एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं चलेंगे। वैलोरेंट भी बिल्कुल लो सेटिंग्स पर प्लेएबल FPS में चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने गेम टेस्ट नहीं करा इसमें। बेइज्जती करनी है क्या बेचारे की? तो इस परफॉर्मेंस के साथ अगर तुम बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 से 4 या फिर मैक्स टू मैक्स 5 घंटे का बैकअप दे देगा, क्योंकि इसमें 3 सेल वाली एक 40 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है हमें। अब इसके हिसाब से अगर ये 5-6 घंटे भी देता है ना नॉर्मल टास्क पे तो भी बहुत सही है। मैंने जितना टेस्ट किया मुझे इतना बैकअप दे दिया इसने, बिल्कुल एकदम 50-60% ब्राइटनेस पे हल्के फुल्के काम करके मैंने टेस्ट किया था। तो अगर फाइनल बात करें कि भाई कैसा है लैपटॉप, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, तो देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने इसे जितना भी यूज करा उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तुम हल्के फुल्के काम करके एक प्रोफेशनल लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, एंड Aspire सीरीज तुम्हें पता है काफी अच्छी है इस चीज के अंदर, एंड ये सर हर साल एक नई जनरेशन निकालता है इनकी, तो उस हिसाब से मेरे को भरोसा भी है इस पे, एंड डेफिनेटली ये हल्के फुल्के काम करने में कोई दिक्कत नहीं देता। और अभी कुछ 40,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यार Ryzen 5 मिल रहा है हमें, रैम भी अच्छी खासी मिल रही है जिसमें बढ़िया बैटरी बैकअप मिल जाएगा तुम्हें, और SSD भी 512GB है, तो उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और डिस्काउंट विस्काउंट लेके उससे भी सस्ता तुम इसे उठा सकते हो, तो एक बेसिक काम करने के लिए जितना भी तुम्हें चाहिए वो सब इसमें है, उस हिसाब से डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें हमें इसमें नहीं मिलती, डिस्प्ले वगैरह, उन सब चीजों का अल्टरनेटिव देख लेना अगर वो तुम्हारे लिए मैटर करती है या नहीं, ये चीज ध्यान में रख लेना। बाकी मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं लगी, मैं रेकमेंड कर सकता हूं। तो अगर खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, खरीद सकते हो और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी लाइक भी मार देना, सब्सक्राइब भी मार देना, लाल बटन क्लिक करके बेल आइकन पे ऑल, और हम मिलेंगे ऐसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।